गंगानगर के घरसाना में आरएलपी सुप्रीम हनुमान बेनीवाल इस वक्त पहुंचे हुए हैं। धान मंडी में जनहुंकार रैली में पहुंचे हुए, अपनी बातों को रख रहे हैं, सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप इतिहास को बदल नहीं सकते। ज्यादा इतिहास को बदलने का प्रयास करोगे तो आप खुद ही बदल दिए जाओगे। यहाँ बहुत से प्रधानमंत्री हुए, चले गए। इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी ने जिस तरह लोगों की जबरन नसबंदियां इस देश के अंदर की, दोबारा क्या हुआ? इंदिरा गई, इंदिरा को जेल जाना पड़ा। मोदी जी, रोजगार दे नहीं रहे हो, सिर्फ झगड़े करा के आपस में। मैंने देखा दोनों बार जो चाइना बॉर्डर पे भारत और चाइना की सेनाओं के बीच जो झड़प हुई थी उसमें भारत बैकफुट पे आया था, हमारी बेइज्जती हुई थी। चीन ने हिम्मत की, दुस्साहस किया, क्या कर लिया प्रधानमंत्री ने? मीडिया में बात फैला देते हैं, सोशल मीडिया लेके आ गए, अपने हिसाब से चलते हैं। टूटा फूटा विपक्ष है, विपक्ष में राहुल गांधी है जिसकी लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई पप्पू कहता है, कोई गप्पू कहता है। किस तरह के हालात इस देश के अंदर बन गए बताओ, तो जाएगा कहां आदमी बताओ मुझे? लोगों के पास विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष होता तो इस तरह 50 दलों को एक जगह नहीं बैठना पड़ता। कांग्रेस इस देश के अंदर सबसे बड़ी राज की हुई पार्टी थी, कहां चली गई? धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। प्रधानमंत्री ने ERCP की जो राजस्थान में लाने की बात थी, ईस्टर्न कैनाल परियोजना, उससे हमारे भरतपुर धौलपुर से लेकर हाडोती तक जयपुर तक के 13 जिलों में सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है। अगर उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दे राजस्थान सरकार, दोनों मिलकर करें। अब तो मोदी जी का तो पूरा चल रहा है हर चीज के अंदर, क्यों नहीं कर रहे हैं? 24 MP नहीं बोलते बीजेपी के, एक व्यक्ति बोलता है। ERCP राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, अग्निपथ खत्म करो, पूर्व की भांति सेना भत्ते रैलियां करो हमारे छोटे भाइयों की, क्योंकि आज अगर देश सुरक्षित है इन किसान के बेटों की वजह से सुरक्षित है। मोदी जी, आपने लड़ाई थोड़ी लड़ी थी देश के बॉर्डर पे, उन कौमों ने लड़ाई लड़ी थी। और तो और आप देखिए कितनी हीन भावना है कि वो पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाते हैं, जब वो लड़ते हैं, जब वो मैदान के अंदर जूझते हैं, वो जब खेलते हैं वो ये नहीं देखते कि मेरी जाति क्या है। वो तिरंगे के साथ दौड़ते हुए चाहते हैं कि गोल्ड मेडल मिले, मेरे देश का सम्मान हो। उन बच्चों को न्याय के लिए जंतर मंतर पे किस तरह लड़ना पड़ रहा है, देश का कोई सांसद नहीं गया। अगर जंतर मंतर पे सबसे पहले जाके किसान के बेटे बेटियों की पैरोकारी में कोई खड़ा हुआ, नागौर का सांसद था जिसने राजस्थान में प्रदर्शन कराए और इस नई लोकसभा के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार अगर किसी ने उन पहलवान बेटियों के लिए किया तो नागौर के सांसद, इस राजस्थान के सांसद और आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी एक आदत है, कोई बात पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। पहलवान अपनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकसभा का सत्र आएगा मजबूती से मामला उठाएंगे। जिन पहलवान बच्चों को जिस तरह लाठी